नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संडे मॉर्निंग को आप सभी का स्वागत है हमारे इस खास शो में आवाज़ समाचार। और आज हम फोकस करेंगे हिंडनबर्ग के सवाल और सेबी चेयरपर्सन के जवाब पर। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूएस स्थित इन्वेस्टमेंट रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग ने फिर एक बड़ा विस्फोट किया है। इस बार हिंडनबर्ग के निशाने पर सीधा मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरपर्सन माधवी पुरी बुचें। हिंडनबर्ग के मुताबिक सेबी प्रमुख और उनके पति की अडानी ग्रुप की तथाकथित ऑफशोर एंटिटीज़ में हिस्सेदारी थी। हिंडनबर्ग के मुताबिक इसी ऑफशोर एंटिटीज़ के जरिए ही अगेन तथाकथित फंड की हेराफेरी होती थी। जी हाँ, और सिर्फ अडानी ग्रुप नहीं, हिंडनबर्ग ने माधवी पुरी बुच के पति धवल बुच पर और भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हिंडनबर्ग के मुताबिक माधवी के सेबी चेयरपर्सन रहते हुए उनके पति धवल बुच ब्लैकस्टोन के सीनियर एडवाइजर नियुक्त हुए। इस दौरान रीट्स के नियमों में कई बड़े बदलाव देखे गए। साथ ही हिंडनबर्ग ने सिंगापुर की कंसल्टिंग फर्म अगोरा पार्टनर्स में माधवी पुरी बुच पर लेन देन में पारदर्शिता की कमी का भी आरोप लगाया है। इन सभी आरोपों में कितना दम है और क्या होगा इस पर बाजार पर असर, यही आज पूरी इस बातचीत में समझने की कोशिश होगी। तो अनुज जी, ये हिंडनबर्ग समय समय पे कुछ ना कुछ ऐसा लगातार कर रहे हैं जिससे इंडियन मार्केट्स कई बार सरप्राइज पे आ जाएं या बैकफुट पे चले जाएं। एक बार फिर वैसी चीज़ देखने को मिल रही है, कैसे समझें हम इसको? बिल्कुल, देखिए पहले काम करते हैं विपिन जी, हम यहाँ पर कोई लाइन नहीं ले रहे हैं। पहले तो मैं ये बोल रहा हूँ, साफ साफ क्लियर कर देता हूँ, हम कोई लाइन नहीं ले रहे हैं। हिंडनबर्ग ने एक स्टेटमेंट दी है, माधवी पुरी बुच और उनके पति की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है, पहले उसको बता देते हैं, ठीक है। हिंडनबर्ग ने जो कहा है, हिंडनबर्ग ने जो आरोप लगाए हैं उसमें जो दो तीन मेन पॉइंट्स हैं वो ये कह रहे हैं कि जो एंटिटीज़ जो विसल ब्लोअर डॉक्यूमेंट के हिसाब से निकल कर आ रही हैं, अगेन ये सब में मैं एलिजेड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अब तक ये प्रूव नहीं हो चुकी हैं, ठीक है। तो उसमें वो जो ऑफशोर फंड्स थे जो हिंडनबर्ग कह रहा है कि जिनको यूज़ किया गया था एलिजेड साइफनिंग के लिए, उसमें माधवी पुरी बुच का और उनके हस्बैंड का उसमें स्टेक कहना गलत होगा, उसमें उन्होंने थोड़े से फंड्स लिए हुए थे बेसिकली। जब उनको रिडीम कराया गया था तो उनकी वैल्यू करीब करीब $800,000 के करीब थी, मतलब $1 million से थोड़ी सी कम थी। सबसे बड़ा आरोप ये है। दूसरा आरोप ये है जो इस स्टोरी से थोड़ा अलग है, अडानी ग्रुप से थोड़ा अलग है, कि जब रीट्स के जब नियम बने तो उसमें थोड़ा सा जानबूझकर थोड़ी सी कोशिश की गई कि फ़ायदा पहुंचाया जाए, ठीक है। लेकिन ये आरोप है। अब माधवी पुरी बुच का एक स्टेटमेंट आया, वो सिर्फ एक दो पैरा का स्टेटमेंट है जिसमें उन्होंने कहा है कि वी स्ट्रांगली डिनाई द बेसलेस एलिगेशन। उसमें उन्होंने ये कहा है कि जितने भी डिस्क्लोजर्स उनको देने की ज़रूरत थी सभी को उन्होंने दिए हैं, इंक्लूडिंग जो एज प्राइवेट सिटीजन उन्होंने किए थे, जो ये इस फंड में उन्होंने जो खरीदारी की थी वो तब की थी जब वो प्राइवेट सिटीजन थे। हाँ, वो रिडीम हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि तब हुई है जब वो ऑलरेडी सेबी में थी। तो ये एक मामला भले ही बन सकता है। और आगे उन्होंने ये भी कहा है कि हम और भी स्टेटमेंट देंगे आगे। तो ये बेसिकली मेन चीज़ें हैं। ये रीट वाला मामला इसलिए आ रहा है क्योंकि धवल बुच जो हैं वो ब्लैकस्टोन में सीनियर एडवाइज़र हैं, और उसके बाद ये मामला आ रहा है कि जब सेबी चेयरपर्सन ने कहा था कि रीट एक फेवर्ड इंस्ट्रूमेंट होगा तो उसको बेसिकली हिंडनबर्ग जोड़ने की कोशिश कर रहा है। ये अब तक की बेसिक कहानी है। अब इसमें इशू क्या होने वाला है, इसमें इशू ये होने वाला है कि सीधा आरोप जो है वो आपके मार्केट रेगुलेटर पर लगा है। मैं बार बार कह रहा हूँ ये आरोप है और हम इसको स्ट्रेट बैट की तरफ से खेल रहे हैं। यहाँ पर एक आरोप है हिंडनबर्ग की तरफ से, एक सफाई है सेबी चेयरपर्सन की तरफ से। अब मार्केट पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा, अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर इसका क्या इम्पैक्ट होगा? देखिए पिछली बार जब ये हिंडनबर्ग के खुलासे आए थे हमने देखा था अडानी ग्रुप स्टॉक्स में भारी गिरावट हुई थी। पता नहीं, अब मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता मार्केट पर, लेकिन मुझे लगता है कि फ्रैंकली ये सिस्टम में एक रिस्क नहीं है, ये मेरा मानना है। बाकी जब मार्केट खुलेगा तो हम उसको देख लेंगे और बाकी हम अपने एक्सपर्ट से बात करने की कोशिश करेंगे कि इसको किस तरीके से देखा जाए और आगे ये अब किस करवट वोट बैठेगा ये देखते हैं। राइट, तो दो हिस्से जो आपने कहा मेनली कि एक तो अडानी ग्रुप पे उसका इम्पैक्ट और दूसरा मार्केट पे ओवरऑल इम्पैक्ट, वही एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी हैं, जैसा आपने कहा, जिक्र किया, मैं उनका परिचय करा देता हूँ। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कॉर्पोरेट लॉयर एंड लीगल एक्सपर्ट सुनील जैन साहब, सुप्रीम कोर्ट के वकील आशुतोष श्रीवास्तव जी, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, इंडस्ट्री वेटरन सुनील सुब्रमण्यम और CNBC आवाज़ के इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय, आप सभी का
बहुत बहुत स्वागत है। तो आई थिंक पहले हम इसके जो एक कॉर्पोरेट साइड वाला या कानूनी पहलू उसी पे बात कर लेते हैं। बिल्कुल उस पे बात कर लेते हैं क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट मेरे ख्याल से वही रहने वाला है। और लक्ष्मण जी से थोड़ा ये भी जानेंगे कि क्या फाइनेंस मिनिस्टर से कोई रिएक्शन आने की उम्मीद है, और जो यहाँ पर ये पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, अब तक हमने 3-4 पॉलिटिकल रिस्पॉन्सेज देखे हैं, उन पर क्या निकल कर आया, इन सब पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चलते हैं सुनील जैन के पास। सुनील जैन जी, गुड मॉर्निंग। आपने स्टेटमेंट देखी होगी हिंडनबर्ग की और सेबी चेयरपर्सन की भी, आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या रहेगा इस पर? थैंक यू अनुज जी, मैं थरली डिसअपॉइंटेड हूँ। हमने अक्सर देखा है कि किसी भी ओटीटी फ्रेंचाइज में कॉमेडी हो, कॉमिक थ्रिलर हो, क्राइम थ्रिलर हो, दूसरी बार वो चार्म और वो इम्पैक्ट नहीं रहता है। मैं समझता हूं कि ये जो हिडन एजेंडा कुछ प्ले आउट हो रहा है, इसके ऊपर अब सख्ती से कदम उठाने की जरूरत है। ये पार्ट वन की रिपोर्ट में ये बहुत क्लियरली सामने आया था कि इस रिपोर्ट को देने से पहले इंडियन मार्केट्स में रेलेवेंट ग्रुप के साथ शॉर्ट पोजीशंस ली गई और प्रॉफिट कमाया गया। इंटरनेशनल ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आप अपने चैनल पर दिखाते हैं, प्रॉपर डिस्क्लेमर के थ्रू दिखाते हैं, मगर उसमें कभी भी रिपोर्ट रिलीज होने से कुछ समय पहले आप शॉर्ट पोजीशंस लेके प्रॉफिट नहीं कमाते। आप अगर एक जेन्युइन रिसर्च एजेंसी है तो आपको अपनी क्रेडेंशियल्स और अपनी क्रेडिबिलिटी एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, और आप ऑफशोर से लॉन्ग रेंज रिसर्च मिसाइल्स छोड़कर हमारी उभरती हुई इंडियन कैपिटल मार्केट्स पे इस तरह लगातार और बार बार अटैक करेंगे तो निश्चित रूप से आपकी क्रेडिबिलिटी और आपकी क्रेडेंशियल्स ग्राउंड जीरो की तरफ अप्रोच करेंगे। नहीं नहीं, ये बात तो खैर आपकी, मैं ये बात हाँ बिल्कुल, चलिए आप अपना पॉइंट पूरा करिए। बिल्कुल अनुज जी, मैं इस बारे में भी एक बात कह दूं कि आपने कुछ, मेरा मतलब हिडनबर्ग की इस रिपोर्ट से है, आपने कुछ एलिगेशंस सामने रखी हैं। ऑलरेडी लीगल एक्शंस और इन्वेस्टिगेशंस जारी हैं, जो कुछ भी नए फैक्ट सामने आए हैं और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बातें सामने आई हैं, उस पर जो भी लीगैलिटी होगी वो प्ले आउट करेगी। हम इंडियन सिस्टम के तहत और इंडियन कैपिटल मार्केट्स का जो हमारा लीगल स्ट्रक्चर है उसके तहत ही इसको एग्जामिन करेंगे और उस पर वो बात मैं आपकी बिल्कुल, उस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी। हालांकि हिंडनबर्ग ने शुरू से ये एक डिस्क्लोजर दिया है कि उन्होंने शॉर्ट पोजीशन ली थी अदानी ग्रुप में, और ये उनका एक, ये सिर्फ अदानी ग्रुप नहीं, पहले भी उन्होंने जब आउटसाइड इंडिया भी जब उन्होंने अपनी कुछ रिसर्च करी है उसमें उन्होंने हमेशा शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं, तो ये चीज़ तो खैर क्लियर है। लेकिन सिंस लीगल एक्सपर्ट की बात हो रही है, आशुतोष श्रीवास्तव के पास चलते हैं एक बार। आशुतोष जी, गुड मॉर्निंग। अब लीगली यहां से मामला आगे कैसे बढ़ेगा आपके हिसाब से? देखिए, हम लोग जैसा जानते हैं कि जब इसी तरीके का एलिगेशन जो पहले लगाया गया था कि इन्वेस्टर्स को काफी नुकसान पहुंचाया गया, और वैसे ही एलिगेशंस लगाए गए थे हिंडनबर्ग द्वारा, और पूरा मामला जो है सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था, और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो है एक एक्सपर्ट पैनल बनवा करके दिया था, जो जिसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स थे, लीगल के भी एक्सपर्ट्स थे, कुछ बैंकिंग के एक्सपर्ट्स थे। इन सब के पैनल ने पूरा इन्वेस्टिगेशन किया था थॉरली, और उन्होंने एक प्रॉपर रिपोर्ट बनाई थी, रिपोर्ट बना करके सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हुआ था, जिसमें ये कंक्लूड किया गया था कि ऐसा जो है कोई भी इररेगुलर एक्टिविटी या कोई अनलॉफुल एक्टिविटी इसके अंदर जो है नहीं किया गया है, और कोई भी इरेशनल एक्टिविटी नहीं हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है यही रिपोर्ट को कंसिडर करते हुए पूरे मैटर को डिस्पोज कर दिया गया था। हालांकि बाद में देखा जाए तो बहुत सारे पिटीशन आए थे जिसमें कहा गया था कि जो है इसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, इसमें इंडिपेंडेंट एजेंसी द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, या ये रिपोर्ट बायस्ड है वगैरह वगैरह। बट सुप्रीम कोर्ट ने जब रिपोर्ट्स को पूरा डिटेल में जब देखा, स्टडी किया था, तो उनका ये मानना था जजेस का कि हमें नहीं लगता कि इसके अंदर कोई ऐसा एक्सेप्शनल सिचुएशन है जहां पर हमें कोई भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है, क्योंकि रिपोर्ट को ही कंसिडर किया गया था और वो बहुत ही लॉजिकली या उसको जो है डिटेल में बनाया गया था। तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने इसको डिस्पोज कर दिया था। ये जनवरी अभी 2024 की ही बात है, 3 जनवरी की। अब देखिए कि जब ये फर्दर इस तरीके के जो एलिगेशंस आज के डेट में जो लगाए गए हैं चेयरपर्सन के ऊपर सेबी के,
तो मुझे लगता है कि पहले तो इसमें प्राइमा फेसी कोई केस स्ट्रांग बनता है नहीं बनता है, पहले तो ये देखना होगा। और अगर बनता है तो हो सकता है कि सरकार के अलावा मामला जो है कोर्ट्स में भी जाए, या हाई कोर्ट्स, या हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में भी जाए, और उस वक्त देखेगा सुप्रीम कोर्ट की प्राइमा फेसी केस कितना स्ट्रांग है, इसके अंदर क्या एविडेंसेस हैं, क्या इसमें कोई फर्दर पैनल बनाने की या इन्वेस्टिगेट कराने की, एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की जरूरत है या नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि कोई कॉन्क्रीट रीजनिंग है, तो ही मुझे लगता है कि कोई पैनल या कोई कमीशन बना करके इसके ऊपर रिपोर्ट मांगा जा सकता है या क्लैरिटी ली जा सकती है, और बेस्ड ऑन दैट रिपोर्ट जो आएगा उसके ऊपर जो है फर्दर कार्यवाही क्या की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, ये डिपेंड करेगा। लेकिन अगर कोई भी प्राइमा फेसी केस स्ट्रांगली इस्टेब्लिश नहीं होता है, तो मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कोई भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करेगा या कोई भी ठीक है कॉग्निजेंस सर, लेगा। तो उस ऐसे सिचुएशन में, और अगर इन्वेस्टिगेशन होता है उसमें फिर से रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं आती है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि इसमें फिर कोई आगे कार्यवाही की जरूरत पड़ेगी अगर ऐसा सिचुएशन बनता है तो। ठीक है बट तो एक ये, बात, जी हाँ जी, हाँ जी, बोलिए हाँ, बोलिए। बट एक बात बहुत ही क्लियर है कि जो रिपोर्ट जो पहले आया था, जो एलिगेशंस लगाए गए थे, वो कहीं पे भी साबित नहीं हो पाया था सारे प्रोसेस को फॉलो करने के बावजूद। तो ये कहना कि हिंडनबर्ग आज की डेट में जो स्टेटमेंट या जो भी जारी कर रहा है उसके पीछे कितना तथ्य है, या फिर कितना कितना क्रेडिबल है। स्ट्रॉन्ग, हाँ, कितना स्ट्रॉन्ग वो केस प्रोड्यूस कर रहे हैं, या क्या एविडेंसेस के बेस पे वो जी बोल रहे हैं, तो ऐसे सिर्फ बोल देना मुझे लगता है कि नहीं, और ठीक कह सुप रहे हैं आपकी, वो जी कितना क्रेडिबल ये है वो देखना विपिन पड़ेगा। जी, ये बात एकदम सही है। हाँ देखिए, इसमें एक मेन चीज़ क्रेडिबिलिटी है। एक तरफ एक इंस्टीट्यूशन हिंडनबर्ग, जिसके बारे में पिछले साल तक हम कुछ नहीं जानते थे, ठीक कह रहे हैं। दूसरी तरफ है हमारा इंस्टीट्यूशन से भी जो जाना जाता है एक अपने क्रेडिबिलिटी के लिए, और जो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट रेगुलेटर्स रह चुका है, और खुद माधवी जी। तो ये इसमें आगे जाके ये कहीं ना कहीं उठेगा मामला कि किसकी कितनी क्रेडिबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी, तो उस पर भी सवाल उठेगा। बिल्कुल डेफिनेटली डेफिनेटली। लेकिन अब चूंकि ये मामला है और राजनीति से परे नहीं जा सकता, और तुरंत इस पे हमने देखा पॉलिटिकल रिएक्शंस भी आ गए, कांग्रेस ने बयान दे दिया, उसके अलावा टीएमसी, इनफैक्ट शिवसेना भी। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण, जैसा हम कह रहे हैं कि अब क्योंकि ये बात उठी है तो फिर उसमें तुरंत राजनीति भी आ ही जाती है, अलग अलग पार्टीज अब क्या कह रही हैं? देखिए, दरअसल जो हिंडनबर्ग और अदानी का मामला अब राजनीतिक रूप से ठंडा पड़ गया था, इस रिपोर्ट आने के बाद एक बार फिर से जिंदा हो गया है, और हर विपक्षी पार्टी एक तरीके से इस मौके की तलाश में थी जिसको भुनाने की कोशिश कर रही है। कल देर रात कांग्रेस की तरफ से ट्वीट आया, जो महासचिव हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं जयराम रमेश, कि अब समझ में आ रहा है कि आखिर संसद सत्र जो 12 तारीख तक चलना था, 9 तारीख को ही अचानक से क्यों खत्म कर दिया गया। उनका कहना कि सरकार को पता था कि रिपोर्ट आ रही, हंगामा होगा, इससे पहले संसद सत्र खत्म कर दो। उसके बाद पूरे एक पेज का रिएक्शन इन्होंने अपने एक्स पोस्ट पे डाला है, और उन्होंने कहा है कि इस पूरे मामले में, चूंकि बड़े बड़े दिग्गज इसमें शामिल हैं, तो इसको ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी से इस मामले की जांच करानी चाहिए। आपको बता दूं कि पिछली बार भी जेपीसी से जांच कराने की मांग हुई थी। यह इसलिए महत्वपूर्ण होता है जेपीसी, क्योंकि इसमें सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं, तो यह मामला थोड़ा राजनीतिक रंग ले लेता है। और उन्होंने आरोप यह भी लगाए हैं कि ऑफशोर फंड के असली मालिक कौन है, इससे जुड़े हुए नियमों में, डिस्क्लोजर देने वाले नियमों में जो ढील दी गई थी, शायद इसके पीछे यही एक वजह थी। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि चेयरपर्सन बनने के बाद 2 बार अदानी मिले सेबी चेयरपर्सन से। तो इन सारे तथ्यों को रख करके उन्होंने ये कहा कि इस पूरे मामले में जेपीसी की मांग जांच करनी चाहिए। महुआ मित्रा, जो इस पूरे मामले में काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थी, उन्होंने कहा है कि इसको क्या सीबीआई, ईडी इस पूरे मामले की जाँच करेगी क्या। प्रियंका चतुर्वेदी ने भी इस मामले में हमलावर है कि आखिर क्यों सेबी हमें जाँच की रिपोर्ट देने से मना कर रहा था। तो मुझे लगता है कि राजनीति काफ़ी ज़्यादा इस पर अब तेज होगी अगले कुछ दिनों तक। चलिए अब एक काम करते हैं, एक बार इस पूरे मामले को फिर रिविजिट करते हैं। जो हिंडनबर्ग ने आरोप लगाए हैं, और मैं ये एग्जैक्टली वर्बेटिम पढ़ रहा हूँ उनकी रिपोर्ट से, अब रिपोर्ट इंग्लिश में, मैं हिंदी जी में उसको ट्रांसलेट करके पढ़ रहा हूँ, तो जो भी हल्का सा भी हेरा फेरी होगी वो ट्रांसलेशन का मिस्टेक होगा, ठीक है। तो हिंडनबर्ग का एक और आरोप यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी सेबी की जाँच पर सवाल उठाए थे, वो ये कह रहे हैं, और अदानी के ऑफशोर शेल्डर्स की जाँच में चुप्पी पर सवाल उठाए गए हैं। हिंडनबर्ग ये कह रहा है कि अगर सेबी वाकई में इस ऑफशोर फंड होल्डर्स की जांच चाहता, तो शायद उसकी आँच जो है वो सेबी चेयरपर्सन तक
खुद पहुंचती, और इसमें कोई हैरानी नहीं है कि सेबी फंड्स होल्डर के उस ट्रेल तक नहीं पहुंचना चाहता जिसका एक सिरा खुद उनके चेयरपर्सन तक जाता है। ये सेबी का एक ये हिंडनबर्ग का एक आरोप है, ठीक है। 2017 में माधवीपुरी बुच ने और उनके पति ने ग्लोबल डायनेमिक अपॉर्चुनिटी फंड में हिस्सा लिया, ये तब की बात है जब वो सेबी से रिलेटेड नहीं थी, ठीक है ना जी। लेकिन 2017 में वो होल टाइम डायरेक्टर बनी और उसके बाद अपेरेंटली आई थिंक वो जो यूनिट्स हैं जो माधवी जी के नाम पे थी वो अगेन ये सब हिंडनबर्ग बोल रहा है, उन्होंने अपने पति के नाम पर उनको ट्रांसफर कराया और 2018 में उसका रिडेम्पशन किया गया। जब वो रिडेम्पशन किया गया तब वो जैसे मैंने कहा करीब करीब $8 लाख का था। ये आरोप है और जो सेबी चेयरपर्सन का रिस्पांस है उसमें उन्होंने साफ बोला है कि हमारी ज़िंदगी और फिनेंसेस खुली किताब है, एक प्राइवेट सिटीज़न होते हुए जो हमने किया उसकी पूरी की पूरी जानकारी हमने अथॉरिटीज़ को दी हुई है और ट्रांसपेरेंसी के लिए एक डिटेल स्टेटमेंट आगे जाकर वो लेकर आएंगी। तो एक डिटेल स्टेटमेंट भी अवेटेड है सेबी चेयरपर्सन की तरफ से। एक काम करते हैं, एक थोड़ा सा इसका मार्केट पर क्या इम्पैक्ट है ये भी समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट्स जुड़े हुए हैं, सुनील सुब्रमण्यम है हमारे साथ, सुदीप बंदोपाध्याय हैं, कुछ देर में सुशील केड़िया को भी जोड़ेंगे। सुनील जी गुड मॉर्निंग, मार्केट पर कोई इम्पैक्ट है इसका या फिर जैसे वो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट है, अब मार्केट कहेगा हो गया आपका, आप पहले भी बोल चुके हैं अब भी बोल रहे हैं, हमें फर्क नहीं पड़ता। देखिए ऐसे नहीं कह सकते कि मार्केट में इम्पैक्ट नहीं होगा, क्योंकि मार्केट में तरह तरह के प्लेयर्स होते हैं और आपको खास याद रखने की जरूरत है कि आप हिंडनबर्ग रिसर्च की बात कर रहे हैं यहाँ पर, मगर एक्चुअली हिंडनबर्ग शॉर्ट सेलर है, यानी रिसर्च की बात छोड़िए, उसका एक इकोनॉमिक कमर्शियल रीजन होता है कुछ भी रिपोर्ट करने में। तो वो चाहता है कि मार्केट करेक्ट करे, तो उसने शायद शॉर्ट पोजिशन आइदर गिफ्ट निफ्टी या सिंगापुर निफ्टी या फॉरन में इंडियन मार्केट के ऊपर लिया होगा, ये क्लियर है। और उनकी जो सोच है, ठीक है, आप आगे जाके इसका कोई सुप्रीम कोर्ट में जाके करना है, उनके इंटरेस्ट नहीं है, उनका खाली प्रॉफिट बनाना है शॉर्ट करके मार्केट के, उसके बाद गिरने के बाद जाके कवर करो, राइट। अब उस हिसाब से कुछ और हेज फंड्स हो सकते हैं जो इस बेसिस पे मार्केट में बेच सकते हैं कल। तो मेरे ख्याल में ये मार्केट का रिएक्शन को जज करना मुश्किल है, मगर साफ ये कह सकते हैं कि क्योंकि एक शॉर्ट सेलर ये काम कर रहा है, मार्केट में जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं लॉन्ग टर्म के, उनको जाके खरीदारी करनी चाहिए, तभी उनके जो इच्छा है कि मार्केट करेक्ट करे और वो लाभ उठाए वो बेफजूल हो जाए। तो मेरे ख्याल में ये अच्छा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा कल की, क्योंकि साफ चीज क्या है कि वो प्रॉफिट बनाना चाह रहे, बट द सेम टाइम क्लैरिटी इमीडिएटली सभी के चेयरपर्सन ने दे दिया है इमीडिएट रिएक्शन से। अगर ये बात वो टाल देते, अगर कुछ नहीं कहते तो बात शायद उभर के कुछ हो सकती थी, मगर इमीडिएट क्लैरिटी ऑफ स्टेटमेंट उनके तरफ से आने के कारण मैं ज्यादा मार्केट में इंपैक्ट नहीं करूँगा। और तीसरी बात आप ये भी समझिए कि ये आरोप इसलिए लगा रहे हैं कि वो माधवीपुरी बुच मैडम ने अदानी को हेल्प किया, यही है ना, मगर सेबी एक बोर्ड है, सेबी में मेंबर्स होते हैं, सेबी एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है, इंडिविजुअल पर्सन के अपने ये नहीं कि वो डिसीजन ले सकते हैं। तो ये आरोप मेरे लिए बहुत ही बेसलेस है और ये खाली प्रॉफिट बनाने के लिए एक रिलीज किया हुआ स्टेटमेंट है, सिंपल सी बात। नहीं बहुत ये पॉइंट भी है विपिन जी, बिल्कुल। देखिए सेबी में ऐसा नहीं है कि बस जो माधवीपुरी जी ने बोल दिया वही हो जाएगा, एक पूरा बोर्ड है वहाँ पर, वो पूरा बोर्ड डिसीजंस लेता है, ठीक है। और दूसरी बात, खैर ये बात तो क्लियर है कि हिंडनबर्ग एक शॉर्ट सेलर है और वो पोजीशन लेता है अपनी, शॉर्ट करता है उसके बाद रिसर्च निकालता है, लेकिन वो अपफ्रंट उन्होंने इस चीज़ को क्लैरिफिकेशन भी दिया है। एक बात से मैं सहमत हूँ, सेबी चेयरपर्सन का कल की कली स्टेटमेंट आ गया, अगर उसको डिले किया गया होता तो शायद थोड़ा सा एक और ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ती, लेकिन एक स्टेटमेंट उनका कल आ गया। मैं ये चाहता हूँ कि एक थोड़ी डिटेल स्टेटमेंट भी आ जाए, मेरा ये मानना है कि एक डिटेल स्टेटमेंट शायद हो सकता है आज ही आ जाए या कल, शायद एक मार्केट ओपन होने से पहले अगर आ जाए तो वो ठीक रहेगा। इसमें बस एक चीज़ मैं कहूँगा, इसको ना हमको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि मैं बहुत पढ़ रहा हूँ ट्विटर पर और मेरे भी जो सोशल मीडिया फीड पर है उस पर बहुत लोग इसको ले रहे हैं अस वर्सेस देम, कि अगर अच्छा अब उन्होंने शॉर्ट किया है अब उनको पैसा नहीं बनाने देंगे हम, ठीक है, इसको बस इस तरीके से ना लें, ये थोड़ा सा इस चीज़ को समझ कर एक्ट करें। लेकिन खैर थोड़ी सी और डिस्कशन कर लेते हैं, आई थिंक सुदीप जी भी हमारे साथ, राइट। तो सुदीप जी
एक ओवरऑल इम्पैक्ट, अगर दो ही देखिए, दो फैक्टर्स हैं, अडानी ग्रुप यहाँ पर जो सीधा सीधा इम्पैक्ट होगा वहां पर, कल आप क्या देखते हैं, एंड ओवरऑल मार्केट की तो हम बात कर ही रहे हैं। जी मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट मार्केट पे देखने को मिलेगा, क्योंकि देखिए पिछला जो एलिगेशन था वो अडानी ग्रुप पे था, अडानी ग्रुप का फाइनेंशियल्स पे था, और वहां पे चर्चा हुई और उसके बाद ये साफ हुआ कि एटलीस्ट जो सामने आया कि कुछ ऐसा गड़बड़ नहीं था, और अडानी ग्रुप के शेयर्स भी प्राइस वापस लेवल पे आ गए थे। पर यहाँ पे कोई स्टॉक पे एलिगेशन नहीं है, यहाँ पे जो 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 सेबी जो मार्केट रेगुलेटर है उनका जो चेयरपर्सन है उनका क्रेडिबिलिटी पे उंगली उठाया गया है, तो मुझे नहीं लगता है कि मार्केट में एज सच बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। सुनील जी ने बहुत सारे पॉइंट्स बोले हैं, मैं भी उससे कुछ हद तक सहमत हूँ कि मुझे नहीं लगता है कि मार्केट पे बहुत बड़ा गिरावट आएगा। अगर छोटा मोटा गिरावट आया मैं तो ये मानूंगा कि वो खरीदारी की अपॉर्चुनिटी होगी इन्वेस्टर्स की तौर पे। और दूसरी बात जो मुद्दा मुझे लग रहा है यहाँ पे सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है, वो लग रहा है कि सेबी चेयरपर्सन को अपने आप को पिछला जो इन्वेस्टिगेशन है वहां पे खुद को रिक्यूज करना चाहिए था या नहीं उस इन्वेस्टिगेशन से। मुझे तो लगता है मुद्दा यही पे आके खड़ा होगा नहीं, कि अगर ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं। सुदीप जी बहुत 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 सही पॉइंट बोला आपने, बहुत सही पॉइंट बोला आपने, और मैं एक्चुअली अब इस पॉइंट को थोड़ा आगे कैरी फॉरवर्ड करता हूँ, और क्योंकि दो लीगल वॉइसेस हैं हमारे साथ, तो आशुतोष जी और सुनील जी दोनों से आपसे सवाल करता हूँ मैं। आशुतोष जी पहले आप इसका जवाब दीजिए, क्या ये पॉइंट बनता है कि सेबी चीफ को इस मामले में अपने आप को रिक्यूज करना चाहिए था, क्या ये सवाल उठेगा? देखिए सवाल उठने के लिए तो उठेगा, क्योंकि जब पॉलिटिकल कलर इसको अगर दे दिया जाए तो वो फिर वो किसी भी डायरेक्शन में मामला जो है चला जाता है। लेकिन अगर हम लीगल की बात करें और स्ट्रिक्टली लॉ पे रहें, तो देखिए जब एलिगेशंस आए पहले भी, और पैनल जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया वो तो सब इंडिपेंडेंट थे, उनका तो कोई लेना देना कोई लिंक एज सच नहीं था, उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स भी थे, उसमें बैंक के दूसरे एक्सपर्ट्स भी थे, उन्होंने सारा जो है अपना रिपोर्ट को सबमिट किया सुप्रीम कोर्ट को, और इसमें कुछ भी किसी भी तरीके का कोई भी इर्रेगुलर एक्टिविटी या इमोरल एक्टिविटी रैशनल एक्टिविटी ऐसा कहीं से दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आया, और तभी जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मैटर को डिस्पोज कर दिया। देखिए एलिगेशन लगाना एक है और एलिगेशन के पीछे जो सब्सटेंस क्या है वो इम्पोर्टेंट है, क्या कोई इस तरीके का अगर इन्वेस्टमेंट भी है स्टेक भी है या कोई भी ऐसी बात है, और उससे जो है उसका लिंक क्या है, क्या मकसद था। सिर्फ एलिगेशंस लगाने से तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि उसका साबित होना भी जरूरी है कि इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है, अगर ऐसा था भी तो पहले तो ये था या नहीं था, पहले तो वही सबसे बड़ा सवाल है कि ऐसा कुछ दिख नहीं रहा प्राइमा फेसी, और अगर ऐसा दिखता भी तो फिर उसमें जो है मोटिव क्या है, वो मोटिव को तो कुछ ऐसा दिखाया नहीं जा रहा, कुछ प्रूव नहीं किया जा पा रहा है। और साथ में मुझे लगता है कि ये कॉन्स्पिरेसी का भी एक पार्ट हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं कि मार्केट पे कितना असर पड़ता है इस तरीके के जो है कोई भी स्टेटमेंट कोई भी संस्था दे देती है बिना एप्लीकेशन ऑफ माइंड के। अब देखिए जो पहले स्टेटमेंट दिया गया उसमें तो काफी नुकसान हुआ, लोगों का पैसा भी नुकसान हुआ, इन्वेस्टर्स का भी नुकसान हुआ ऐसे इस तरीके के स्टेटमेंट दे देने से। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद और सारी चीजें सामने आने के बाद और फाइनली वर्डिक्ट आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के बाद तो कुछ भी साबित नहीं हुआ, लेकिन इस बीच में नुकसान कितना हुआ लोगों का, मार्केट का नुकसान हुआ, वो सब कोलेट्रल डैमेज था मार्केट में ऑब्वियसली। मैं लक्ष्मण जी आपके पास भी आ रहा हूँ, लेकिन इस आर्गुमेंट को पहले एक बार थोड़ा सा फिनिश कर लेते हैं। सुनील जैन जी क्या ये मामला उठेगा कि वापस इस पूरे मामले की जांच कराई जाए, क्योंकि ऑब्वियसली ऑपोजिशन भी ये मांग करेगा तो उसमें पॉलिटिकल एंगल भी है, लेकिन क्या प्राइमा फेसी एक मामला बनेगा कि वापस इस पूरे मामले की जाँच हो? सुनील जी आप शायद म्यूट पर हैं, सॉरी। जरूर मैं एग्री करता हूं आपसे, और जरूर ये एक मामला बनेगा और डिटेल इन्वेस्टिगेशन दोबारा कैरी आउट की जानी चाहिए। इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में आके अपना रजिस्ट्रेशन करा के एफिडेविट्स के थ्रू आप जो भी एलिगेशंस लगाना चाहते हैं उनको स्वर इन कीजिए और सारे के सारे फैक्ट्स सामने रखिए। इन सभी फैक्ट्स पर बहुत ही विस्तृत तरीके से जाँच हो, डिटेल स्टेटमेंट जिसका आपने जिक्र किया वो आएगी तो फिर उसकी भी जाँच हो, और जो भी स्टेप्स लिए जाने हैं रेक्यूजल को लेके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को रिजॉल्व करने को लेके वो सब स्टेप्स लिए जाने चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई ढील का मतलब नहीं बनता।
हम सिर्फ ये उम्मीद करेंगे कि जो भी इसमें फाइनेंशियल स्टेक होल्डर्स हैं, जो भी कोई मार्केट की पोजीशन लेते हैं, क्योंकि अनुज जी आपने ये डिटेल में रिपोर्ट पढ़ी है, इसका जो भी हिंडनबर्ग की पोर्टल पर रिपोर्ट अवेलेबल है उसमें इस बार ये जिक्र नहीं है कि फ्राइडे को दिन में मार्केट आवर्स में या उससे पहले इस बार भी कोई पोजीशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ली गई है कि नहीं ली गई है, कोई रिमोट बेनिफिशियल इंटरेस्ट के माध्यम से, ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से इस बार भी कोई पोजीशन ली गई है या नहीं ली गई है। और अगर क्योंकि फाइनेंशियल इंटरेस्ट इसमें शामिल है तो आपको चाहिए कि आप इस मैटर को रिजोल्व कराएं, इंडियन ज्यूरिडिक्शन को सबमिट करें, जो रजिस्ट्रेशन इक्विटी ब्रोकरेज हाउस के रूप में बनता है, बाकी सभी रेप्यूटेड हाउसेस लेते हैं, आप भी लीजिए, सामने आइए, एफिडेविट पर अपनी बात रखिए। और फिलहाल मैं दो छोटी बातें आपकी परमिशन से बोलूंगा, पिछली बार का $3.5 मिलियन या $4 मिलियन आप फोर्क आउट कीजिए, उसे टेबल पे रख दीजिए, इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में डालने के लिए टेंडर कर दीजिए, और इस बारी भी क्या पोजीशन ली है उसको आप हर पेज पे बताइए। मैंने खुद आपके ग्रुप में देखा है कि आप स्वामित्व और प्रबंधन का डिस्क्लेमर हर बार एक टॉप निफ्टी के शेयर को डिस्कस करने के समय देते हैं, इसलिए क्रेडिबिलिटी और क्रेडेंशियल एस्टेब्लिश करने के लिए कोई लिमिट नहीं होती, कोई क्वांटिटी नहीं होती, आपको जितनी बार भी देना जरूरी समझते हैं उतनी बार उसको दीजिए। मैं एक छोटी सी बात आपकी परमिशन से रीट पर बोलूंगा अगर आप परमिट करेंगे तो। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, फटाफट बोलिए जी। मैं ये कहना चाहता हूँ अनुज जी, आपने पिछले कुछ सालों में देखा होगा कि हमारे यहाँ जीएसटी की रेजिम जो 2017 से चालू हुई वो हर साल उसमें कुछ ना कुछ प्लस माइनस कुछ ना कुछ इंडस्ट्री के फीडबैक के बेसिस पे कुछ स्टेप उठाए जाते हैं। इसी तरह से एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर यानी गिफ्ट सिटी को और ज्यादा डीप रूटेड करने के लिए हम हर साल टैक्स की रेजिम में और रेगुलेटरी रेजिम्स में कुछ ना कुछ काम करते हैं। आज से 10 साल पहले जब खुद पर्सनली इन्वॉल्व होकर हमने ये कोशिश की कि अब इस देश में रीट जैसा कि रियल एस्टेट को लेके इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट और उसकी सर्टिफिकेट्स और एक पास थ्रू मैकेनिज्म के थ्रू ये स्ट्रक्चर मार्केट में आए, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू एग्जिस्टिंग प्रमोटर्स को एक एग्जिट मिले और मार्केट ब्रॉड बेस्ड हो, रिटेल इन्वेस्टर को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, उसके लिए ये रेजिम 10 साल पहले चालू की गई और सभी तरह के टैक्स के प्रोविजन इसमें लगातार आते रहे, जैसे गिफ्ट सिटी और जीएसटी में आप देखते हैं लगातार, और मैं आपकी बात कर रहा हूं, लगातार चलते ही रहते हैं और आगे नहीं, भी वो मैं समझ गया, ओपनिंग अप का गुंजाइश है, इस पर आप एक पर्टिकुलर ग्रुप को ब्लेम नहीं करें तो बहुत नहीं, वो मैं समझ गया सुनील जी। यहाँ पर इशू क्या होता है ना, जैसे कहते हैं कि सीजर्स वाइफ शुड बी अबव सस्पिशन, वो शायद यहाँ पर वो वाला मामला आ जाता है। खैर एनीवे आपका पॉइंट मैं ऑन बोर्ड लेता हूँ, लेकिन एक बार लक्ष्मण जी के पास वापस चला जाए। लक्ष्मण जी क्या एक्सपेक्ट करें कि फाइनेंस मिनिस्टर से कोई प्रतिक्रिया आएगी या वो इस मामले में अभी कुछ नहीं कहना चाहेंगे, आपको क्या सेंस मिल रही है? देखिए दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री में इस बात को लेके कल रात से हलचल तो काफ़ी तेज हो गई है, आपस में इनफॉर्मल डिस्कशन तो हो रहे हैं कि आखिर क्या इसमें रुख अपनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, लेकिन मुझे जो अब तक संकेत मिल रहे हैं उसके मुताबिक फाइनेंस मिनिस्ट्री से कोई औपचारिक बयान आएगा इसकी संभावना फिलहाल मुझे नहीं दिख रही है, या फिर सरकार की तरफ से कोई औपचारिक बयान आएगा इसकी भी संभावना अभी फिलहाल कम दिख रही है, लेकिन जिस तरीके से पॉलिटिकल रिएक्शन यहाँ पर आ रहा है तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई बयान यहां पे जरूर आ सकता है, क्योंकि इंडी गठबंधन के हर राजनीतिक दल चाहे सपा हो, कांग्रेस हो, तृणमूल कांग्रेस हो, सबकी तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं, तो इस राजनीतिक जो परसेप्शन जो बन रहा है उसके लिए भाजपा से बयान आ सकता है, लेकिन वित्त मंत्रालय की तरफ से बयान आएगा अभी तक मुझे इसके कोई संकेत नहीं मिले। ठीक है, तो ये काफी सारे एस्पेक्ट हैं जो हम देख रहे हैं, चाहे मार्केट हो, चाहे पॉलिटिकल हो और दूसरी अन्य चीज़ें। अनुज जी आपको क्या लगता है, अब ये पिटारा जो हिंडनबर्ग ने खोल दिया है फिर से एक बार, और कितने दिन तक ये लास्ट करेगा, कब तक इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे? देखिए विपिन जी, ये सब चीज़ें ना मूविंग पीसेस होते हैं, ठीक है, ये पहली बार जब मामला आया था तो ये आया था पिछले साल बजट के आसपास, तब बजट साइड शो बन गया था, आपको याद होगा जो पिछले साल का मेन बजट था वो साइड शो बन गया था, उसके बाद टाइम लगा, उसके बाद अच्छा अदानी ग्रुप की कुछ कंपनियां QIP भी लेकर आ रही हैं, एक सवाल ये भी उठेगा कि क्या उसके ऊपर भी थोड़ा सा इम्पैक्ट पड़ेगा, मार्केट सेंटीमेंट पर इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हिंडनबर्ग की क्या क्रेडिबिलिटी है, सवाल उठ सकता है कि हिंडनबर्ग की क्या क्रेडिबिलिटी है, सवाल इस पर उठ सकता है कि इस बार भी उन्होंने शॉर्ट पोजिशन लिया है या नहीं लिया है, सवाल इस पर भी उठ सकता है कि क्या जो इनके आरोप हैं वो वाकई में, क्योंकि जैसा कि सेबी चेयरपर्सन की स्टेटमेंट में भी है, क्योंकि उनके अगेंस्ट शो कॉज नोटिस आया है, क्या वो उसके बदले की भावना से उन्होंने ये इस बार जो खुलासा किया है,
क्या वो है, इन सब पर सवाल उठेगा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि एक डायरेक्ट अटैक जो है वो इस बार आपके मार्केट रेगुलेटर पर किया गया है, तो उसका मार्केट सेंटिमेंट पर कुछ असर तो पड़ेगा। ये कहना बेमानी होगा कि उसका कुछ असर नहीं पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, ये फिर बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। अब मैं इसमें किसी समूह का नाम नहीं ले रहा हूँ, मैं पर्टिकुलर स्टॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसका ओवरऑल मार्केट पर कोई भी इम्पैक्ट आता है तो वो एक मेरे हिसाब से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी बनकर आएगी। ये मैं सोच रहा हूँ एक लिमिटेड पॉइंट बोलना, बाकी कितना टाइम टिकेगा देखिए, अब इसमें बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि आगे क्या निकल कर आता है। आई थिंक इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो होगा जो सेबी चेयरपर्सन की एक डिटेल स्टेटमेंट जी, उसकी हमें प्रतीक्षा रहेगी, उसमें क्या निकल कर आ रहा है। उसके बाद क्या फाइनेंस मिनिस्ट्री कोई रिस्पॉन्स करेगी, क्योंकि सेबी उनको रिपोर्ट करती है, उससे कुछ आएगा या नहीं आएगा। क्या सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कुछ व्यू लेने वाला है, इसके ऊपर भी बातचीत होगी। तो ये सब बहुत मूविंग पीसेस हैं। सुशील केड़िया भी जुड़ गए हमारे साथ, उनको भी जोड़ लेते हैं। और सुशील जी, मार्केट पर तो खैर पैनी नज़र रखते ही हैं, थोड़ा सा पॉलिटिकल टॉपिक्स पर और इन सब टॉपिक्स पर भी खास नज़र रहती है उनकी। सुशील जी, गुड मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग को हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया। बताइए, आपने किस तरीके से न्यूज़ फ्लो को देखा कल रात से जो हुआ, और अब इसका क्या मार्केट पर इम्पैक्ट रहेगा आपके हिसाब से? देखिए, मेरा ये मानना है हिंडनबर्ग ने ये बड़ी गैर जिम्मेदार और एक ओछी हरकत कर दी है। अगर अगर रेगुलेटरी स्ट्रक्चर जो है कि सेबी का तीन रोल एक साथ है, कानून को बनाना, कानून को लगाना और कानून को इन्फोर्स करना, लॉ मेकर, लॉ अप्लायर एज वेल एज लॉ इन्फोर्सर, तीनों सेबी है, इसलिए व्याख्या में फिट नहीं होती है सेबी चेयरमैन किसी मजिस्ट्रेट या जज की व्याख्या में। अगर ये मजिस्ट्रेरियल किसी कोर्ट के साथ ऐसा छेड़छाड़ होता तो सेक्शन 19 कंटेम्प्ट एक्ट का ओपन एंड शट केस होता, 6 महीने के लिए कम से कम इस हरकत को करने वाले सारे भीतर हो जाते, कम से कम 6 महीने के लिए खाली कंटेम्प्ट में। अब इस कंटेम्प्ट से मैं इस चीज को जोड़ता हूँ, कंटेम्प्ट करने पे आमादा कैसे हुए ये लोग, किस तरह का उदाहरण है? एक रेगुलेटर ने या एक लॉ इन्फोर्सर ने या एक जज ने एक ऑर्डर पास किया कि आपने फलाने रेस्टोरेंट में जाके चीटिंग की थी, तो 1.5 साल बाद लौट के आके बोल देना, अरे जज साहब आप भी तो 2017 में उस रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। IIFL के फंड में 50 तरह के इन्वेस्टर्स होंगे, डेटा आएगा, सारी चीजें खुलेंगी। तो अनुज, किसी रेस्टोरेंट में अगर छिनताई हो गई, पॉकेटमारी हो गई, चीटिंग हो गई और आप भी उस रेस्टोरेंट में खाना खा के आए थे 7 साल पहले, और वो पॉकेटमार बोले क्या है अनुज तुम भी तो 7 साल पहले वहां खाना खा के आए थे, तो इसको छिछोरी हरकत कहा जाएगा। ये किसी भी प्रकार का गंभीर आरोप नहीं है। हमारे देश में जिस तरह से स्टॉक मार्केट में नए लोगों के जुड़ने का उफान आता जा रहा है, बहुत बड़ी संख्या में मासूम लोग हैं, और ये बड़ी बड़ी धूर्तता से बनाया हुआ एक डॉक्यूमेंट है, चालाकी शब्द भी इसमें मैं नहीं कहूंगा, धूर्त है ये प्रयास। किस तरह का प्रयास? 7 साल पहले आप वहां खाना खा के आए थे जहां मैंने डाका डाला है, तो इसलिए आप भी दोषी हो, बड़े गोल मटोल शब्दों में कह दिया गया, तो बड़ा धूर्त प्रयास है। और देखिए बाजार के ऊपर असर, शनिवार को तमाशा किया, रविवार तक मेरे को लगता है सारे लोग समझ जाएंगे, क्योंकि देश की पत्रकारिता बड़ी सजग है। आप संडे को सूट वूट टाई पहन के इतनी दूर से अपने स्टूडियो दौड़ के आ सकते हो, पूरा देश सक्रिय है। हाँ, ये भारत की सक्रियता का उदाहरण हो अनुज, आप तो ये सारा देश आज सक्रिय है। और मुझे लगता है सोमवार को कोई 150 पॉइंट नीचे खुल गया तो खुल गया, और मैं ये बात इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि हम लगातार पिछले सप्ताह से तेजी की एनालिसिस लेकर आ रहे हैं, कोई अगर टेम्पररी ब्लिप भी आता है, क्योंकि बहुत ही छिछला छिछोरा और गैर जिम्मेदार सा ये प्रयत्न है कि आपने जज साहब हमको चोर बोला तो हमने खोज के निकाला डेटा, आप भी 7 साल पहले वहां जाके एक प्लेट पाव भाजी खा के आए, मतलब ये क्या बात है? देखिए सुशील जी, अपने अंदाज में बिल्कुल सही बात, मतलब IIFL का ये फंड अगर कोमिंगल्ड फंड है और अडानी के अलावा और भी 20-30-40 स्टॉक्स में उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, तो मतलब किसी रेगुलर 2017 में होल टाइम डायरेक्टर बनी थी माधुरी, डेट चेक करनी होगी उसके पहले इनका इन्वेस्टमेंट था, बाद का था, डिस्क्लोजर किया नहीं किया, तो अगर उस फंड ने अडानी में भी इन्वेस्ट किया अलॉन्ग विद 20 अदर स्टॉक्स, तो बोले जी मैंने ना थम्सअप के ग्लास में नशा मिला के किसी को उल्लू बनाया था और आपने भी थम्सअप पी थी उस रेस्टोरेंट में जाके, ये इस तरह का मजाकिया आर्ग्यूमेंट है। चलिए खैर, बिल्कुल नहीं, जैसे मैं कह रहा सुशील जी अपने अंदाज में इसको थोड़ा लाइट भी रख रहे हैं और उन्होंने एक सही बात बोली। एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक लेकर लौटेंगे और इस कॉन्वर्सेशन को आगे बढ़ाएंगे।
वेलकम बैक। देखिए संडे मॉर्निंग को हम एक नॉर्मली संडे मॉर्निंग को हम सब कुछ ना कुछ अपना प्राइवेट टाइम एंजॉय कर रहे होते हैं और मेरी टीम तो खैर एक पिकनिक पर थी और वो पूरी की पूरी टीम वापस आई, तो मैं सबसे पहले तो बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ। और जो सुशील जी ने बात कही कि हम संडे मॉर्निंग को आ गए, देखिए इवेंचुअली वी आर मतलब रिस्पॉन्सिबल फॉर आर व्यूअर्स और हमारे व्यूअर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि इतनी बड़ी न्यूज़ है तो हम उस पर ऑब्वियसली प्रोग्रामिंग करेंगे, तो ये एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। अच्छा सुशील जी, एक और सवाल आपसे, अदानी ग्रुप पर कल शायद एक इम्पैक्ट आए, ऐसे में क्योंकि आप अदानी ग्रुप पर लॉन्ग रहे हैं, क्या व्यू होगा अब यहाँ पर, क्या डिप्स पर और ऐड किया जाए या एक बार के लिए ट्रेड से बाहर निकला जाए? अनुज, चार्ट के पैटर्न्स जो शुक्रवार तक बंद हुए थे वो ये थे कि निचले स्तर से एक अच्छा मूव आ चुका था और थोड़ा सा विराम चार्ट पर स्वाभाविक था। असमंजस में थे फ्राइडे को कि कुछ टेक प्रॉफिट करें कि नहीं करें, और लगा ये कि जितनी रफ्तार से चलते हैं या टेक प्रॉफिट के चक्कर में सोमवार को सौदा छूट जाए। तो उदाहरण के तौर पे जो अडानी का बिल्कुल शॉर्ट टर्म सपोर्ट स्टॉप लॉस अडानी इंटरप्राइज का मान लीजिए जो था कि 3264 के नीचे चला गया, तो 3210 के ऊपर उसका सपोर्ट है, कि 5000 रुपये 3000 के स्टॉक पे या 20-30 रुपये 1000 रुपये के स्टॉक पे, ये जो इंट्राडे वाले स्टॉप लॉस है इनकी गणना आज के समय करना मुझे उचित नहीं लगता है। मुझे ये लग रहा है कि ये बाजार अविश्वास की रैली, ऐसे भी हम पहले ही स्ट्रक्चर को देख चुके हैं कि 2500 तक विश्वास नहीं जमेगा, तो कमजोर जो लॉन्ग होल्डिंग्स हैं अगर वो लिक्विडेट हो जाती हैं ऑन ए फ्रिवोलस न्यूज, गैर जिम्मेदार मस्खरेपन की बदतमीजी पर अगर कोई का माल बिक जाएगा तो वो कमजोर मासूम आदमी का बिक जाएगा, बाजार और हल्का ही हो जाएगा। तो कल कितने परसेंट का नीचे डिप मिल सकता है, 1%, 2%, 3%, ये अनुमान लगाना मेरी क्षमता के बाहर है, पर हम तकरीबन डिसाइडेड हैं कि अगर कोई डिप मिल गया तो उसका फायदा उठाएंगे और मान लें जी। तो ठीक है, ये अडानी ग्रुप पर एक राय सुशील केडिया जी की तरफ से। अनुजी एक बात मैं आपसे समझना चाहूंगा, जैसे आपने भी कहा कि जो हिंडनबर्ग है उनका पैटर्न ये है कि वो एक रिसर्च फर्म कहते हैं खुद को, लेकिन वो शॉर्ट सेलिंग भी करते हैं, पहले ले लेते हैं फिर उस पर रिपोर्ट निकालते हैं और इसको बता भी देते हैं, डिस्क्लोज भी कर देते हैं, ठीक है बताते हैं, लेकिन थोड़ा लॉजिक को डिफाई करता हुआ सा लगता है कि क्या ये चीज़ सही है? ये इसलिए आपको लग रहा है कि विपिन जी बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ, क्योंकि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में हम कोई भी, अगर आप कोई भी बंदा कहेगा कि मेरे पास पोजीशन है और अब मैं ये डिस्क्लोज़ कर रहा हूँ तो आप कहेंगे कि ये गलत है। हिंडनबर्ग लेकिन इंडियन ज्यूरिसडिक्शन में नहीं काम करता है, हिंडनबर्ग बाहर काम करता है, और जो शॉर्ट पोजीशन भी इन्होंने क्रिएट की थी पिछली बार वो उन्होंने इंडियन मार्केट में नहीं क्रिएट की थी, वो उन्होंने ओवरसीज मार्केट में क्रिएट करी थी। तो आई थिंक उन दोनों को हम नहीं जोड़ते हैं, लेकिन हाँ इसमें एक चीज़ है कि इसमें क्या दो चीज़ें, क्या तो एक फ़ायदा उठाने की कोशिश है और क्या एक बदले की भावना है सेबी चेयरपर्सन के अगेंस्ट, क्योंकि उनको शोकॉज नोटिस दिया गया, तो ये बिल्कुल सवाल उठेगा। अच्छा एक और चीज़ है, नॉर्मली सेबी जो है वो किसको शोकॉज नोटिस देता है वो नहीं बताता है, तो एक सवाल ये भी उठा था कि जब शोकॉज नोटिस दिया गया था हिंडनबर्ग को तो क्या वो हिंडनबर्ग ने लीक किया था, मतलब ये भी एक इसमें एक सवाल उठता है। लेकिन हम थोड़ा शायद आई थिंक टॉपिक से डाइग्रेस कर रहे हैं, लेकिन इसमें अब आगे लीगली और क्या रिक्वायरमेंट बनेगी, क्या ये जो मामला है अब जैसे आई थिंक सुनील जी कह रहे हैं कि हिंडनबर्ग को चाहिए पहले आए इंडिया में अपने आप को रजिस्टर करें उसके बाद केस लड़ें, आई थिंक ये भी एक वाजिब सवाल है। मेरे ख्याल से अब असली मामला यहाँ पर लीगल साइड पर चलने वाला है। एक बार सुदीप के पास चलते हैं और सुदीप से पूछते हैं कि सुदीप कल अगर अदानी ग्रुप स्टॉक्स में अगर स्टॉक्स गिरे तो आप खरीदेंगे कोई सा स्टॉक? बिल्कुल, जैसे सब लोग कह रहे हैं मैं भी ये मानता हूँ कि अदानी ग्रुप पे इसका ज्यादा असर नहीं आना चाहिए, और अगर कल सुबह बिकॉज ऑफ न्यूज फ्लो थोड़ा मार्केट गिरता है, अदानी ग्रुप के स्टॉक्स गिरते हैं, तो जरूर वहां पे खरीदारी का अपॉर्चुनिटी बनता है। और कौन सा स्पेसिफिक स्टॉक खरीदे उसमें तो मैं हमेशा एक अदानी ग्रुप के एक स्टॉक का फैन रहा हूँ, वो है अदानी पोर्ट, बहुत अच्छा कंपनी है, हर गिरावट पे वो इकट्ठे करना चाहिए, मेरा टाइम होराइजन 3-5 साल का है, तो मेरे लिए तो वो स्टॉक बिल्कुल ऑलवेज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी।
बाकी स्टॉक्स में भी ध्यान दिया जा सकता है, पर मेरे पास जो रकम है मैं तो अदानी पोर्ट्स में ही लगाना चाहूंगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा और चर्चा को आगे और इसमें थोड़ा इनडेप्थ जाने की कोशिश करते हैं। सुनील जैन साहब, अब देखिए क्योंकि ये एलिगेशंस जो आए हैं वो आए हैं थोड़े पर्सनल कैपेसिटी में, मतलब वो सेबी चेयरपर्सन पर, उनके हस्बैंड पर आए हैं, और उन्होंने जवाब भी जो दिया है वो पर्सनल कैपेसिटी में दिया, वो सेबी की तरफ से नहीं है। तो क्या आगे लीगली वो खुद सेबी चेयरपर्सन इस मैटर को लीगली चैलेंज कर सकती हैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी में? कैसे आगे बढ़ेगा ये? फिलहाल जवाब जरूर किसी ना किसी पर्सनल कैपेसिटी में आए हैं, क्योंकि होल टाइम डायरेक्टर और सेबी चेयरपर्सन का टेन्योर स्टार्ट करने से पहले या उससे कुछ शुरुआती दौर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट हुई है तो डेफिनेटली जो डिस्क्लेमर्स या डिनाइल आएंगे वो प्राइवेट कैपेसिटी में आएंगे। डेफिनेटली एक सेबी चेयरपर्सन के रूप में भी हम उम्मीद करेंगे कि कुछ ना कुछ डिटेल स्टेटमेंट कैपिटल मार्केट रेगुलेटर की तरफ से भी आएगी। और डेफिनेटली किसी भी इंडिविजुअल पर अगर आप आरोप लगाएंगे तो अपनी रेपुटेशन जिनको बिल्ड करने में सालों लगते हैं उस रेपुटेशन को डिफेंड करने का राइट हम सबके पास है, और उस राइट को एक्सरसाइज करते हुए हम डेफिनेटली फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन में जहां भी कहीं हिंडनबर्ग के पास अगर कोई रजिस्ट्रेशन है, कोई कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है जो इस तरह के मार्केट ऑपरेटर्स, मार्केट रिसर्च ऑपरेटर्स के विषय में रेगुलेशन करता है, तो वहां पर हम इनके खिलाफ जरूर कुछ ना कुछ फाइलिंग करनी चाहिए। मैं मिनिस्ट्री से भी उम्मीद करूंगा कि वो अब डेफिनेटली दोनों फ्रंट पर काम करें, ना ही सिर्फ देखें कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कैसे रिजॉल्व होगा। हमारे यहाँ लॉन्ग हॉलीडेज का भी कॉन्सेप्ट रहा है, और अब सख्ती से फॉरेन अटैक्स, ये जो फॉरेन अटैक हमारी इंडियन कैपिटल मार्केट जहां हम डेरिवेटिव सेगमेंट में शायद टॉप टू में है और कैश सेगमेंट में भी हमारा मुकाबला नहीं है, उसको जो ये जो रेगुलर एक कंसर्टेड अटैक हमारे ऊपर हो रहा है इसको कैसे रोकना है, इसको सख्ती से डील करें, अनअपोलोजेटिक तरीके से डील करें। और अब इसमें कोई कोताही बरतने से, कुछ स्टेटमेंट देने से या कुछ मिश्रित सी बातें बोलने से काम नहीं चलेगा, आपको एक टफ एक्शन लेना पड़ेगा। रेलेवेंट कॉर्पोरेट ग्रुप ने भी कुछ इसके ऊपर रेगुलेटरी कंप्लेंट्स और एक्शन लेने की कोशिश की है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पक्ष है इसका। और जहां तक प्राइवेट की बात है तो अगर आप रेपुटेशंस को हार्म करेंगे तो एक प्राइवेट इंडिविजुअल को हमेशा से अपनी क्रेडिबिलिटी को गार्ड करने के लिए सभी लीगल राइट्स एक्सरसाइज करने की पूरी आजादी है। ये हमारा इंडियन कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क है, और हम सबसे उम्मीद करते हैं कि अगर आप आके मार्केट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो आइए, जुड़िए, रजिस्ट्रेशन लीजिए, टेबल पर पिछला पैसा रखिए, इस बारी की पोजीशन बताइए, और एफिडेविट्स पर और इस तरह से शूट एंड स्कूट ना करें, शूट एंड फ्लाई ना करें। आप आके क्रेडिबिलिटी के साथ, प्रेजेंस के साथ, एफिलिएट एस्टेब्लिश करके, अपनी ऑन ग्राउंड प्रेजेंस एस्टेब्लिश करके बाद अपनी टेबल पे रखें। ओके, सुशील जी कुछ कहना चाह रहे हैं इस बीच में? सुशील जी, अनुज देखो मैं बाई क्वालिफिकेशन लॉयर नहीं हूँ, पर बाकी विषयों के साथ इसको भी बहुत स्टडी किया है। देखिए, एक तरफ ये घात है सेबी चेयरमैन पर उनकी व्यक्तिगत कैपेसिटी में, एक तरफ ये घात है सेबी एज एन इंस्टीट्यूशन पर, और ये एक और बड़ा घात है भारत की मासूम निवेशक जनता पर। कैसे? अगर मैं कोई क्रिमिनल PIL फाइल करता हूं, हो सकता है मैं कर दूं, मैं सोच रहा हूं सीरियस, तो देखिए किसी भी क्रिमिनल इंटेंट को जो मेंस रिया कहते हैं कि इस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटी को करने के पीछे मोटिवेशन क्या था? क्या हिंडनबर्ग का मोटिवेशन भारत के मार्केट्स को और हेल्दी बनाना था, भारत की जनता को और स्वस्थ मार्केट देना है, अपने अहंकार की पूर्ति है, या यहाँ पे डरा धमका के भारत की जनता का रिटेल क्राउड का पैसा छीनना है? देयर इज अ क्लियर कट मेंस रिया इन दिस इररिस्पॉन्सिबल एक्ट ऑफ हिंडनबर्ग। अगर और कोई वकील जाकर इस PIL को नहीं फाइल करे तो हो सकता है नेक्स्ट वीक मैं जाकर सुप्रीम कोर्ट में कर दूं। क्लियर कट मेंस रिया है भारत की मासूम जनता को थप्पड़ मार के उनके पैसे लेने के लिए, बड़ा ही छिछला इरिस्पॉन्सिबल काम है, इसका सामना होना चाहिए। जी ठीक है, तो अब क्योंकि कार्यक्रम समाप्त करने में थोड़ा सा ही वक्त बचा है, तो अनु जी आपसे एक ओवरऑल टिप्पणी लेंगे जो आप दर्शकों को मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दें कल के लिए। लेकिन उससे पहले लक्ष्मण जी क्विकली एक चीज की, क्योंकि मामला पॉलिटिकल तो हो ही चुका है, क्या यहां से और पॉलिटिकल पार्टी से तूल देने की कोशिश करेंगी?
बिल्कुल, मुझे लगता है कि अब जो है अगला चरण जो होगा वो आपको होगा भारतीय जनता पार्टी से और उनके सहयोगी दलों से, क्योंकि मामला ये सेबी या फिर फाइनेंस मिनिस्ट्री तक नहीं आ रहा है। जो भी पॉलिटिकल रिएक्शन आ रहे हैं उस पॉलिटिकल रिएक्शन में कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की वहाँ पे कोशिश चल रही है। आरोप ये लग रहा है कि सरकार ने शुरू से इसमें बचाने का वाले मोड में रहा। तो मुझे लगता है कि सरकार इससे पहले कि मामला और ज़्यादा बढ़े, ज़रूर भीतरखाने से कोई ना कोई रणनीति यहाँ पर बना रही होगी। हो सकता है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारी, सेबी के अधिकारियों से, सेबी चेयरपर्सन से बात कर रहे हो कि कैसे इसमें आगे बढ़ा सकता है, क्या हमारे पास किस तरह की सफाई दी जा सकती है। और सेबी चेयरपर्सन ने जो इस सफाई देने की बात की कि हम आगे और भी डिटेल स्टेटमेंट देंगे, मुझे लगता है कि आपसी सलाह मशविरा के बाद स्टेटमेंट आएगा। और जो मुझे संकेत मिल रहे हैं वित्त मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय दोनों इस पर काफ़ी एक्टिव है, चर्चा में है, लेकिन बयान देने से फिलहाल कतरा रहे हैं, क्योंकि कहीं भी सीधे तौर पर वित्त मंत्रालय इसमें इन्वॉल्व नहीं है, कहीं पर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री कार्यालय इन्वॉल्व नहीं है। चूँकि राजनीतिक मामला है तो आज दोपहर तक मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई जा सकती है और उसमें सारा पक्ष वहां पर रखा जा सकता है और उसके बाद और डिटेल आपको निकल कर आएगा। लेकिन अगले 3-4 दिनों तक मुझे लगता है कि इसका एक राजनीतिक पहलू भी होगा जिस पर हमें नज़र रखनी होगी। जी बिल्कुल, चलिए उन सारी बातों पर नज़र रहेगी, लेकिन बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि कल बाज़ार में इसके लिए क्या काफ़ी चर्चा हो गई, लेकिन फाइनली दर्शकों के लिए एक टेक अवे यहाँ देने की कोशिश करते हैं। तो अनुज जी, जो हमारे दर्शक हैं, जो निवेशक हैं, वो कल किन 2-4 चीज़ों का ध्यान रखें इस पूरे मुद्दे के मद्देनज़र? देखिए, पहली बात तो ये कि अभी भी ये एलिगेशंस हैं, ये एलिगेशंस हैं, और एक हमारे देश में कानून होता है कि इनोसेंट अनलेस प्रूवन गिल्टी, ठीक है ना। तो वो उस हिसाब से सेबी चेयरपर्सन का भी पूरा आई एम श्योर रिस्पॉन्स देंगी, वो देख लेते हैं। और उसके बाद ये मामला लेकिन अभी थोड़ा लंबा चलेगा, इस मामले में अभी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि और पेंच फंसेंगे। ये मामला पॉलिटिकल भी होगा, ये मामला इकोनॉमिकल तो है ही लेकिन साथ ही साथ पॉलिटिकल भी है, और इसमें पॉलिटिकली आगे क्या रिएक्शंस आएंगी, क्या सरकार के ऊपर प्रेशर आएगा वापस एक बार पूरी की पूरी जांच दोबारा कराने का, क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें एक सुओ मोटो एक व्यू लेगा कि नहीं दोबारा इसमें कुछ हमको चीज़ें करने की ज़रूरत है, ये सब करने की ज़रूरत है। अगर आप इन्वेस्टर हैं तो लेकिन एक चीज़ को समझ जाइए, ये सब चीज़ें होती रहेंगी, ये सब चीज़ें पहले भी होती रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, इस तरीके के न्यूज़ फ्लो आते रहेंगे। और अगर आप एक इन्वेस्टर हैं और अगर आप इंडिया ग्रोथ स्टोरी पे बिलीव करते हैं तो पैनिक ना करें उस वजह से। वैसे तो खैर मुझे नहीं लगता कि मार्केट में कोई पैनिक आएगा, मेरा ये मानना है कि मार्केट में हो सकता है एक आध स्टॉक्स में इधर उधर कुछ प्रेशर आ जाए, लेकिन ओवरऑल मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक ऐसा इशू है जिसकी वजह से मार्केट डिस्टेबलाइज हो सकता है। और अगर किसी कारण से मार्केट कोई आपको गैप डाउन दे देता है तो मेरा ये मानना है कि फिर वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। बाकी है ये मामला आगे किस तरीके से बढ़ेगा उसको आगे देखते हैं, ठीक है। क्योंकि लक्ष्मण बता रहे हैं कि कुछ और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो सकती हैं या फिर, तो लक्ष्मण जी ये सारी चीज़ें बाजार खुलने के पहले होती हुई दिखाई देंगी या बाजार के बाद, आपका एनालिसिस क्या कहता है? देखिए, मुझे लगता है कि इस पूरे मामले पे बाज़ार खुलने से पहले ज़रूर एक रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन बाज़ार खुलने से पहले, बाज़ार खुलने में बहुत समय नहीं है, तो ये हो सकता है कि आज शाम तक ये रिएक्शन यहाँ पर आता हुआ आपको दिखे। और ये रिएक्शन पॉलिटिकल ज़्यादा होगा इसमें, और तथ्यात्मक रिएक्शन जो है सेबी की तरफ से आएगा। हाँ, एक विंडो है जहाँ पर नज़र रखनी होगी हमें, वो है सुप्रीम कोर्ट का। क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई PIL फाइल होता है, कोई जैसा कि अनुज जी बता रहे थे कोई सुओ मोटो एक्शन, तो सुओ मोटो की संभावना मुझे थोड़ी सी कम दिख रही है। PIL जैसी चीज़ें वहाँ पर निकल कर सामने आ सकती है। और कांग्रेस अभी तक एक स्टेटमेंट जारी करके चुप है, मुझे लगता है विपक्षी पार्टी और ज़्यादा हमलावर यहाँ पर होगी, क्योंकि विपक्षी पार्टी को ही मौका मिल गया है सरकार को घेरने का। और चूंकि संसद सत्र अभी दूर है तो संसद में इस तरह का हंगामा तो नहीं दिखेगा अब, लेकिन बाकी ट्विटर पर कहें, प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए कहें, धरना प्रदर्शन के जरिए कहें, तो ये राजनीतिक मामले को जिंदा करना जरूर चाहेगी कांग्रेस। चूंकि आने वाले दिनों में 3 राज्यों विधानसभा चुनाव होने हैं, उसमें से एक राज्य महाराष्ट्र भी है, तो मुझे लगता है कि इसका भी एक राजनीतिकरण होगा और बहुत जल्द शांत हो जाएगा मामला राजनीतिक तौर पर, मुझे नहीं लगता है। ठीक है, तो ढेर सारे पहलू हैं इस पूरे मामले के, और जैसा आप अनुज जी लगातार कह रहे हैं शुरू से कि एक एलिगेशन है और उन एलिगेशंस यानी आरोपों का फिर जवाब ही दिया जाता है, तो वो प्रोसेस है अभी और उसमें हम हर तरफ से चीज़ें आते हुए देखेंगे। जैसा अनुज जी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अभी एक डिटेल स्टेटमेंट भी आ सकता है सेबी चेयरमैन की तरफ से, वो देखते हैं कब तक आता है, क्या आज या फिर
आज के बाद, या पॉलिटिकल रिएक्शंस की जहां तक बात है, वो सब चीज़ें अब लगातार चलती रहेंगी इस मामले में। लेकिन टेक अवे शायद अनुज जी हम यही कहेंगे कि आपने जो कहा कि बस ये वेट एंड वॉच और इन्वेस्टमेंट डिसीजन अपने जो है वो इस न्यूज़ फ्लो पर ना करें। ठीक है, चलिए, तो आई थिंक सारे ही पॉइंट्स इस चर्चा में कवर हो गए और आगे वेट एंड वॉच यहाँ पर मार्केट्स में भी और इस पूरी सिचुएशन पर भी। लेकिन फिलहाल सभी मेहमानों का शुक्रिया कहेंगे, आपने वक्त निकाला और इस बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर अपनी राय रखी, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।